डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, ओके द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस दे दिया कितना, 425 किलोमीटर, 425 किलोमीटर, ओके दोनों प्लेस के बीच में डिस्टेंस, दोनों प्लेस के बीच में डिस्टेंस कितना दे दिया, 425 किलोमीटर दे दिया। फिर बोला है इफ ए कार ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ कार बता दिया है, स्पीड ऑफ कार कितना दे दिया है, 50 किलोमीटर पर आवर, ओके 50 किलोमीटर पर आवर, आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ स्पीड दे दिया है और ये आपका डिस्टेंस दे दिया, तो स्पीड दे दिया और डिस्टेंस दे दिया तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा ना। तो आप जब टाइम निकालोगे तो आपका टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही तो आया। जब आप इसको निकालोगे तो डिस्टेंस कितना था, 425, स्पीड कितना है ये, तो टाइम किस में निकला, काटाकुटी कर लो तो कितना आएगा, 510 जा 58 जा 55, यानी कि 8.5 आवर, मतलब 8 5/10 आवर, सीधा सीधी बात है 8.5 घंटा लगेगा क्या, लेकिन 8.5 घंटा लगा, उसका जर्नी जो था वो कब शुरू किया था, 10:30 बजे। अगर उसका टाइमिंग था देखो स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन क्या, स्टार्टिंग ड्यूरेशन उसका शुरुआती टाइम क्या था, सुबह 10:30 बजे, अगर वो 10:30 बजे गाड़ी चलाया तो वो एंडिंग कब पहुंच जाएगा, एंडिंग ड्यूरेशन, ओके वो कब पहुंचेगा, देखो 8:30, 8.5 घंटा है तो 8.5 घंटे का मतलब क्या आ जाएगा, देखो 8:30 आवर, यही तो आया। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 19, बोलो 19 आवर आया कि नहीं, तो मैं साफ समझ गया कि वो रात को 7 बजे पहुंचेगा, बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया मंथन काजल, समझ में आ गया, फिर आ जाओ, फिर आ जाओ। एक पानी का टैंकी है, उसमें 3 को इनलेट लगा हुआ है, इनलेट मतलब पानी के टैंकी के अंदर में वो पाइप जो है वो तीनों टैंकी को पानी भरने का काम करता है, समझ में आ गया। तो देखो ध्यान से सुन लो, ये मिटा दिया जाए, इसको आप लोग रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो वन टैप जो है, वन टैप एक टैप का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, एक नल जो है वो 40 मिनट में भरता है, तो इसका मत 20 मिनट में भरता है, तो इसका 1 मिनट का काम क्या हो जाएगा, 1/20। जो सेकंड टैप है, जो सेकंड टैप है वो भरता है तुम्हारा 40 मिनट में, तो उसका भी 1 मिनट का काम क्या हो जाएगा, 1/40, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर जो तीसरा जो टैप है वो भरता है आधे घंटे में, तो आधे इसका 1 मिनट का काम क्या आ जाएगा, 1/30। तीनों तीनों का काम क्या है, तीनों तीनों का काम है फिल द टैंक, तीनों का काम क्या है, पानी भरना, तीनों का काम पानी भरना, मतलब जब तीनों का काम पानी भरना है तो तीनों को हम क्या करेंगे, दे ऑल वर्क टुगेदर, अगर काम करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, देखो इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया, ओके तो ए प्लस बी प्लस सी, स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा, इसमें दिखाई दे रहा तो बोल रहा, चेक कर एक मिनट काजल, और फिर तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम चलते हो रहा होगा, अब दिखाई दे रहा, अब देखो जब तीनों तीनों टैप, जब तीनों टैप काम करेगा तो तीनों का टैप का काम क्या है, पानी भरना, इसलिए हम तीनों के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ध्यान में रखना जो टैप,
जो टैप टैंकी खाली करेगा, तो जैसे ये दोनों टैंकी भर रहा और ये खाली कर रहा है, जैसे देखो ये टैंक है, ठीक है, यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ, यहाँ पे एक, ये दोनों टैंकी को भर रहा, और ये वाला टैंकी, ये नल क्या कर रहा है, पानी गिरा रहा, ये भर रहा और ये खाली कर रहा है, तो दोनों का भरने का और ये खाली करने का क्या करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे, फिर टैंकी को भरने में टाइम लगेगा, मेरी बात समझ गए, ठीक है। तो लेकिन इसमें इसमें तीनों टैंकी का काम क्या, पानी भरने का, इसलिए तीनों के साथ हमने क्या किया, ऐड किया। जब मैं ऐड करूंगा तो एलसीएम करके कितना आएगा इसका, बोलो, मैं बोलूंगा 120, तो कितना आएगा, ये आ गया। अब ये तो ये उल्टा था, अब इसको मिनट में निकालना है, तो कैसे लिखूंगा, द फिल द टैंक इन 120/13 क्या मिनट। अब ये जो उल्टा कर दूंगा, क्योंकि देखो ये तो 1 मिनट का काम था, अब इसको मैंने मिनट में निकाल दिया, तो ये उल्टा हो गया इसका। ओके, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितना मिनट में टाइम भरेगा, देखो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, देखो मतलब 9 मिनट आ गया, बाकी क्या बचा, ये 3 बचा ना, तो क्या कैसे लिखेंगे, 3/13 इंटू क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 मिनट 480 बाई, ये इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, सेकंड में आ जाएगा, इसको डिवाइड किया तो हाँ? नहीं, तो जो ये रिमाइंडर है ना, तो 3/13 ये हो जाएगा। अब ये तो मिनट है, अरे बाबा जब मैं 9 से करूँ, मैं 9 7 9 9 9 2+ नहीं हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट है, समझ गया। तो ये आपका आ गया, बोलो क्लियर हो गया, इसको इसको आप डिवाइड कर लेना, आपका निकल जाएगा। ओके, बोलो क्लियर हो गया। अब देखो, अब ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन नंबर 3 का, रीता जो है, रीता अगर अकेली काम करती है तो वो 20 घंटे में काम करती है, अगर नेहा काम करेगी तो 25 घंटे, लेकिन अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो फिर तो जल्दी काम होगा, है ना। तो फिर देखो, फिर इसको कैसे लिखेंगे, देखो अच्छा इसको मिटा दिया जाए, सर प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे, क्या क्या बोले, अरे पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 60, समझ गए। हाँ ठीक है, अब देखो, अब आ जाओ, देखो रीता रीता कैन डू ए वर्क, रीता जो है एक काम को खत्म करने के लिए कितना घंटा लगा रही है, 20 घंटे, तो इसका मतलब रीता रीता का 1 घंटे का काम क्या हो गया, रीता 1 आवर वर्क, रीता का 1 आवर का वर्क क्या हो जाएगा, 1/20, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक, वैसे ही जो नेहा है, जो नेहा है, हाँ नेहा कितना घंटे में काम करती है, 25 घंटे में, तो फिर नेहा का भी 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा, 1/25, बोलो समझ में आ गया। देखो रीता का 1 घंटे का काम, नेहा का 1 घंटे का, अब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कैसे लिखेंगे, रीता प्लस नेहा,
रीता प्लस नेहज वन आवर वर्क, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कितना आया, ठीक है इतना काम हुआ। इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा, दे कैन डू ए वर्क इन 100/9 क्या। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 9 1 9 9 1 9 ये आ गया क्या, ये उल्टा हो जाएगा, 5 + 4 9 अरे नीचे के साथ डिवाइड, ऊपर के साथ इनटू, समझ गया, तो एलसीएम किया। अब ये देखो ये आ जाएगा, अगर देखो देखो पहले 20 इसका 25 घंटे में काम होता था, इसका 20 घंटे में, जब दोनों मिलकर काम किया तो कितना हो गया, 11 घंटा समथिंग, मतलब 12 घंटे के बीच में हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो 11 घंटा, बाकी बचा क्या, 1/9 बचा, तो 1/9 इंटू क्या लिख दूंगा, 60, क्या हो गया ये मिनट, तो देखो काटो कितना आया, देखो ये आ गया। अब इसको अगर हम करेंगे, देखो ए यहाँ पे देखो इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6 मिनट, कितना बचेगा अभी, 2 और बचा, तो मैंने 2/3 क्या जाएगा, 3, इसको भी सेकंड में चेंज कर लिया, इसका मतलब 11 घंटा 6 मिनट 40 सेकंड में काम होगा। बोलो समझ में आ गया, आप ऐसा ना करके सीधा ये वाला आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, घंटे को मिनट, मिनट को सेकंड, अगर अगर दिन होता तो मैं 24 घंटा इंटू करता है। बोलो क्लियर हो गया, मंथन काजल बोलो क्लियर हुआ, तो मैं भी बुक में आंसर देख लूं कितना आंसर दिया है, अच्छा आपके आपके बुक में, आपके बुक में ये वाला आंसर दिया, देखो आंसर ये वाला आंसर, ओके आपके बुक में ये वाला आंसर नहीं है, बोलो मंथन समझ में आ गया, क्लियर हुआ, गुड, रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर आ जाओ रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, ओ फिर यूट्यूब पे डालूंगा, हाँ क्या बोले, नहीं पापा सर रिकॉर्डिंग करना ठीक है, हाँ यहीं पे बैठा हुआ है। अब देखो सुनो, अब ध्यान से सुनो, मंथन मेरे बारे पूछ रहे हैं, अब ध्यान से सुनोगे, जो राज है, राज 1 मिनट में 20 वर्ड टाइप करता है, राज 1 मिनट में 20 वर्ड टाइप करता है, और सलीम जो है वो 1 मिनट में 40 वर्ड टाइप करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, राज का 1 वर्ड का जो टाइप है वो कितना देर में कर रहा है, 1/20, और जो सलेम है उसका 1/40। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों मिलकर टाइप कर रहे हैं, जब दोनों मिलकर टाइप करेंगे तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, राज प्लस 1 वर्ड क्या हो जाएगा,
थ्री बाई फोर्टी आ गया, ये हो गया वन वर्ड का 3/40। राज का एक एक वर्ड का ये काम हुआ। अब बोल रहा है कि राज ने क्या किया, ओ सुनो, बोल रहा है कि एक मिनट में वो इतना काम कर रहा है। ये अलग है, ये अलग क्वेश्चन है, ये दूसरा टाइप का दिया हुआ, देखो ये दूसरा टाइप का दिया हुआ, ठीक है। राज कैन टाइप 20 वर्ड इन ए मिनट, वो एक मिनट में 20 वर्ड टाइप करता है, और सलेम कैन टाइप 40 वर्ड इन ए मिनट। ओके, अब देखो सुन लो, राज एक मिनट में 20 वर्ड टाइप करता है, वो कितना मिनट काम किया, 5 मिनट वो लिखा है, इन 5 मिनट राज कैन टाइप, 5 मिनट में ज्यादा टाइप करेगा कि कम टाइप करेगा, राजू का नेटवर्किंग प्रॉब्लम। तो 5 मिनट में देखो, 1 मिनट में अगर 20 वर्ड टाइप करता है तो 5 मिनट में क्या देगा, 20 इंटू 5 कितना हो गया, ठीक है। अब देखो, हाँ 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 पता, देख लिया मैं, तो 20 इंटू 5 क्या हो गया, 100 वर्ड। ना ना कोई बात नहीं, कोई बात, अब आ जाओ। अब राज जो है, तो अगर वो 5 मिनट में, नहीं वो अलग, वो स्टेटमेंट अलग था, तो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं। तो देखो, राज एक मिनट में 20 वर्ड टाइप करता है, छलेम एक मिनट में 40 वर्ड टाइप करता है, बोल रहा, तो इसका मतलब 5 मिनट में राज ने कितना वर्ड लिखा, 100 वर्ड। अब आ जाओ, अब सलेम के लेके बात करेंगे, अगर सलेम, अगर सलेम कैन टाइप ए वर्ड, कितना वर्ड किया, 40 वर्ड इन 1 मिनट, तो एक वर्ड कितना देर में करेगा, और भी कम समय लगेगा, तो 1/40 कितना वर्ड टाइप कर रहा वो, जितना राज ने किया, तो 100 वर्ड के लिए क्या हो जाएगा, सीधा सीधी बात है कि वो 2.5 मिनट में कर देगा, कितना देर में करेगा, 2.5 मिनट में, समझ गए। अब आ जाओ, अब इसमें आपको देखना है, देखो इससे पहले वाला जो मैंने बताया था ना, पानी का टैंकी का है ना, उसमें तीनों टैंकी, तीनों टैप क्या करता था, पानी भरता था, इसमें 2 टैप पानी भर रहा और तीसरा टैप खाली कर रहा, समझ गए, समझ में आ गया, तो इसको क्या, ये मिटा दिया जाए, उतार लो। सर बोल रहे हैं बुक खरीदे, सर मोबाइल खरीदे, सर बुक पोको, ये बुक खरीदे या मोबाइल खरीदे, ये बुक खरीदे या मोबाइल, बाद में बात करते हैं, हेलो लिख लिया ना, चलो देखो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, देखो इनलेट टैप ए, ठीक है, जो एक टैप है वो आधे घंटे में भरता है, 1 मिनट वर्क, 1
मिनट वर्क कितना हो जाएगा 1/30। जो दूसरा टैप है इनलेट टैप बी, इनलेट टैप बी 1 मिनट वर्क क्या हो जाएगा 1/45। ठीक है, जो आउटलेट वाला है देखो, जो आउटलेट देखो ये हो गया आउटलेट, आउटलेट टैप सी 1 मिनट वर्क, ये खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है, ठीक है, ये खाली कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, दोनों का काम भरना, इसका काम खाली करना, ठीक है। तो फिर कैसे लिखेंगे देखो, ए प्लस बी, दोनों का काम भरना इसलिए प्लस हुआ, सी का काम उल्टा है इसलिए क्या हुआ माइनस। बोलो समझ में आ गया? हेलो, इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इन दोनों को खोल के रखता हूं तो कितना देर में पानी भरेगा। देखो ये जो कट गया ना तो 1/45 भरा, इसका मतलब यह हुआ इफ ऑल द टैप्स आर ओपन, अगर सारा टैप मैंने खोल के रखा तो कितना देर में टैंक भरेगा। टैंक आर फिल्ड इन, ये जो 1/45 था मैंने लिख दिया टैंक आर फिल्ड इन 45 मिनट्स। बोलो समझ में आ गया? हेलो गुड, अब आ जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा देखो, लिखा है राज ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, डिस्टेंस दे दिया 400 किलोमीटर, स्पीड दे दिया, तो टाइम निकल जाएगा ना डिस्टेंस बाय स्पीड, हाँ तो सीधा निकल गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, बोला है जो ए है, ए एक काम को खत्म करने में कितना दिन लगा रहा है, 3 दिन। जब ए और बी काम करते हैं तो वो 2 दिन में खत्म होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, मिटा दिया जाए, देखो ए वन डे वर्क, यू नो ए का वन डे वर्क क्या है, ए का वन डे वर्क दे दिया 3 डेज, मतलब 1/3, और जो ए और बी का है वो बता दिया 2 दिन में खत्म होता है, तो फिर ए प्लस बी वन डे वर्क क्या हो जाएगा 1/2। मुझे किसका निकालना है इसमें, देखो ए ए और देखो ये ए है, यहाँ ए प्लस बी है ना, तो अगर मेरे को निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं, अगर बी का निकालना है तो कैसे करूंगा, बोलो ए प्लस बी का मैं माइनस करूंगा इसके साथ, ए का वन डे वर्क के साथ। अब देखो ये दिन का काम हो गया 1/6, इसका मतलब यह हुआ कि बी कैन आ गया, हाय मंथन, हाय मंथन, हाउ आर यू बॉय,
ठीक है। अब देखो तो बोलो क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया ना। देखो ए का अकेले दिया है या ए और बी का मिला के दिया है, अगर मेरे को बी का अकेले निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ गया। हाँ, वन डे वर्क, वन डे वर्क, बोलो समझ में आ गया। काजल समझ में आया बेटा? काजल बोलो क्लियर हो गया ना? गुड। अब देखो तो थोड़ा पीछे हो गया है, अब देखो तो ये पूरा क्लियर हो गया ना अभी? गुड। ओके, इसमें जूम भी हो रहा है, कितना बढ़िया से जूम हो रहा है ना। देखो पापा। अच्छा देखो अब दिखाई दे रहा है ना जूम? गुड गुड गुड, पूरा साफ दिखाई दे रहा है ना अभी? तो ये ऐप बढ़िया है कि नहीं? कौन ऐप है? हाँ, अब देखो ये जो है मैंने ये अभी करवा दिया है टाइम एंड वर्क का, तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हारा तुम्हारे किताब से शुरू करूंगा लाइव। ओके, तो पूरा खत्म होना, मैं पूरा खत्म। हाँ हाँ, क्या बोले तो? पापा रिकॉर्डिंग बंद करना। कौन सा रिकॉर्डिंग बंद करना? तो हाँ अच्छा, रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ, कल ये रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल में चला जाएगा, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग है तो शेयर करना है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर यूट्यूब में डाल दूंगा ना, यूट्यूब से ना डालियो। ओके फिर बाय बेटा। हाँ तो हाँ, मैं तो एंड करता हूँ, फिर मैं कॉल करता हूँ करके।